हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास स्मार्ट LED TV है तो आप सोचेंगे मैं कौन सा सेटअप बॉक्स लगाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर सोचेंगे कौन सा सेटअप बॉक्स लगाऊँ, रिचार्ज वाला लगाऊँ या फ्री वाला लगाऊँ। और आपके घर में वाईफाई भी है, अगर वाईफाई नहीं है तो आपके पास फ़ोन में इंटरनेट वगैरह रहता ही है, रिचार्ज करवाते ही हैं। आपके घर में कई सारे फ़ोन हैं, रिचार्ज कराते हैं अपने फ़ोन चलाने के लिए, यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए, और आपके पास स्मार्ट TV भी है, तो आपको क्या करना चाहिए जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। देखिए, आपके पास स्मार्ट TV है, एंड्रॉयड TV है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या काम करना है, आपको सबसे रिचार्ज वाला नहीं लगाना सेटअप बॉक्स। रिचार्ज वाला लगाएंगे तो रिचार्ज में आपको रिचार्ज कराते कराते थक जाएंगे, क्या फ़ायदा है स्मार्ट लेने का। और आपके घर में इंटरनेट भी है, वाईफाई भी लगाई है, अगर वाईफाई नहीं लगाया तो आपके फ़ोन में रिचार्ज तो ज़रूर कराते होंगे, गूगल यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए। आपके घर में कई फ़ोन होंगे, है ना, एक फ़ोन भी है तब भी चलेगा, आप पूरे दिन तो ड्यूटी में रहते हैं ना, और शाम को आते हैं तो क्या करना, बच्चे हैं, स्कूल में रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देना चाहिए, TV भी नहीं देना चाहिए, ना तो कार्टून में लगे रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो आपको क्या काम करना है दोस्तों, सिंपल सा, आपको DD फ्री डिश का सेटअप बॉक्स लगाना है, ठीक है, छतरी लगाना है। उसमें आपको बहुत सारे चैनल देखने को मिलेंगे, कार्टून भी मिलते हैं, फिल्में भी मिलते हैं, न्यूज भी मिलते हैं, भक्ति संगीत, सीरियल और भी आलतू फालतू मिल ही जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं DD फ्री डिश पे। मैं नहीं कहता हूँ MP2 लगाइए, आप MP4 लगाइए। अगर आपके पास स्मार्ट TV है तो आप MP4 सेटअप बॉक्स लगाइए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, ठीक है, वीडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी, कुछ चैनल HD भी है उसके अंदर, एजुकेशन चैनल भरपूर पड़े हुए हैं। आपके घर में अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए बहुत सारे चैनल है एजुकेशनल के लिए, ठीक है, उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, टीचर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर, आपने देखे होंगे ज़रूर, आपके आस पड़ोस में किसी का लगाओ DD फ्री डिश का, तो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसके अंदर, बच्चे को लाइव पढ़ाते हैं, लाइव क्या रिकॉर्डिंग होता है, वो पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा है। उसके बाद न्यूज वगैरह ही है, न्यूज वगैरह आप उसमें देख ही सकते हैं। और बाई चांस अब आपके मन में आ गया कि मुझे कुछ अलग से देखना है, कुछ फिल्म देखना है, कुछ न्यूज देखना अलग से देखना है, तो आपका तो स्मार्ट TV अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करिए, कनेक्ट करिए, आप कुछ भी देख सकते हैं। आपके पास वाईफाई है तो उससे कनेक्ट करिए और अनलिमिटेड कुछ भी चले ही ये आपके फ़ोन में अमेजोन होता है, या जैसे कि आपका जियो का सिम है तो जियो का सिम हम जब भी रिचार्ज कराते हैं तो उसमें एक हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है फ्री में, ठीक है, 666 का कराते हैं उसके अंदर नहीं मिलता है, 777 का कराते हैं शायद उसके अंदर मिलता है, मतलब किसी प्लान में मिलता ही है हॉटस्टार, है ना, और जियो का भी अपना MyJio TV है ना, तो उससे कनेक्ट करके चलाएंगे उसके वाईफाई से तो MyJio TV भी चलेगा उसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे चैनल आपको देखने को मिलेगा। हॉटस्टार है तो उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन आपको मिलेगा देखने के, बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से तो यही है कि अगर आपके पास स्मार्ट TV है तो आप फ्री वाला सेटअप बॉक्स लगाइए MP4 का, ठीक है, एक बार लगा लेंगे तो ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि वो HDMI केबल से चलेगा तो उसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, पावर सप्लाई का तो कोई झंझट नहीं होता है, अडेप्टर से चलता है, बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है। मैं खुद यूज करता हूँ और मैं DD फ्री डिश वगैरह लगाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को मैंने लगा के भी दिया है, लोग यूज करते हैं, रिचार्ज वाले को हटा के फ्री वाला लगाते हैं। मैं नहीं कहता रिचार्ज वाला बेकार है, अच्छा है, टाइम टाइम पे वो भी अच्छा है, उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन पैसे क्यों खर्च करना ज़्यादा, आपने पहले से ही खर्च कर रखा है, इतना महंगा स्मार्ट TV खरीद लिया, हर फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं, महीने का तो कम से कम 200-250 का तो रिचार्ज होता ही होगा, है ना, तो बस ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो इसको लाइक करेगा, और आपकी क्या राय है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, सेटअप बॉक्स कैसे रिपेयर करते हैं और भी टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे भी देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या नाम है? द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।